देखिए बात यह है, जैसा मैंने इलेक्शन कमीशन में भी अर्ज किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी तल्खियों में हम आगे कैसे चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन से भी कहीं ज्यादा जरूरत यह है कि पहले पाकिस्तान को नॉर्मल किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं, जो तल्खियां हैं, एक तो उनको कम होने की जरूरत है, फिर इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो तल्खियां हैं उनको कम होने की जरूरत है। जब तक ये दोनों काम नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, पहले तो मुझे नहीं पता इंतखाबात का होना ही कैसे मुमकिन होगा, और अगर इंतखाबात हो भी गए तो उसके नतीजे में कोई भी मसला जो है वो हल नहीं होगा। देखिए बात यह है, जैसा मैंने इलेक्शन कमीशन में भी अर्ज किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी तल्खियों में हम आगे कैसे चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन से भी कहीं ज्यादा जरूरत यह है कि पहले पाकिस्तान को नॉर्मल किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं, जो तल्खियां हैं, एक तो उनको कम होने की जरूरत है, फिर इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो तल्खियां हैं उनको कम होने की जरूरत है। जब तक ये दोनों काम नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, पहले तो मुझे नहीं पता इंतखाबात का होना ही कैसे मुमकिन होगा, और अगर इंतखाबात हो भी गए तो उसके नतीजे में कोई भी मसला जो है वो हल नहीं होगा।